अब आज का हमारा टॉपिक है एड्रेस बस डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया डीमक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस बस डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? तो पहले हम फिर से आ जाते हैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे। मैंने आपको आर्किटेक्चर में क्या बताया था कि जो हमारा MUP जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, उसको अगर मेमोरी में से किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड या राइट करना, जैसा कि ये तो मैंने बताया था आपको कि जो भी कुछ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स जो भी कुछ है वो कहाँ पे है, मेमोरी के अंदर है, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में से अगर उसको कुछ भी रीड या राइट करना है तो उसको क्या सेंड करना पड़ेगा, उसका पहले एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। भाई उसको कहाँ से रीड या राइट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी में से उस पर्टिकुलर लोकेशन का, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का क्या सेंड करना पड़ेगा, एड्रेस सेंड करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मुझे इस लोकेशन में इंटरेस्ट है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर क्या सेंड करेगा, एड्रेस सेंड करेगा। अब एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया था, एड्रेस की साइज क्या होती है, 16 बिट्स होती है। एड्रेस की साइज क्या होती है, 16 बिट्स होती है एड्रेस की साइज। तो ऑब्वियसली एड्रेस कहाँ से आएगा, एड्रेस बस की हेल्प से आएगा। तो एड्रेस बस की साइज भी क्या हो जाएगी, 16 बिट्स हो जाएगी। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जैसे हमारा यहाँ से जो एड्रेस आया है 16 बिट्स का, वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो लोअर ऑर्डर पार्ट की पहले मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 7 तक होगा। और जो हायर ऑर्डर पार्ट है, हायर पार्ट है, वो कितना होगा, 8 से लेकर 15 तक का होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया था कि एड्रेस बस में कितनी लाइन्स होती हैं, 16 होती हैं। डेटा को ट्रेवल करने के लिए और 8 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम और भी 8 लाइन्स लें, उससे बेटर क्या है कि हम एड्रेस लाइन्स की ही, एड्रेस बस की ही कुछ लाइन्स को हम क्या कर लें, डेटा बस के तौर पर भी हम क्या करें, यूज करें। ठीक है, तो इसी तरह से हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। ये जो लाइन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, AD0 to AD7 बोला जाता है, और ये जो लाइन्स हैं उनको A8 to A15 नाम दिया गया है। क्यों, यहाँ पर A ही लिखा है, यहाँ पर AD लिखा है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इन लाइंस का यूज एड्रेस के लिए भी कर रहे हैं, डेटा के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इन लाइंस का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, ओनली एड्रेस को ट्रेवल करवाने के लिए ही कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है, AD0 to AD7, क्योंकि एड्रेस और डेटा दोनों को ट्रेवल करवा सकती है, और ये ओनली एड्रेस को ही ट्रेवल करवा सकती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो ये एड्रेस का भी काम कर रही है, डेटा का भी काम कर रही है, तो यहाँ पे फिर क्या की जाती है, मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, आगे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। अब हम फिर से कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर। तो सपोज जो हमारी मेमोरी है, पहले देखो हम इस मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक समझेंगे, फिर हम उसका टेक्निकल डायग्राम समझेंगे। अब हम मान लेते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन चाहिए जिसका एड्रेस क्या है, 2005 है इन हेक्साडेसिमल। तो ये पूरा हो गया 16 बिट का, क्योंकि ये 4, इन 4 को अगर हम 4 बिट फॉर्म में लिखेंगे, इन चारों डिजिट्स को अगर हम 4 बिट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें कितनी मिल जाएंगी, 16 बिट्स मिल जाएंगी। और क्योंकि पूरा की पूरा मैं 16 बिट्स का लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगी। तो ये कुल मिला के क्या है, हमारा 16 बिट का एड्रेस है जिसको मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है। ओके, ये है हमारी 8 बिट्स और ये है हमारी दूसरी 8 बिट्स, तो टोटल कितनी मिल गई हमारी, 16 बिट्स। तो CPU किस में इंटरेस्टेड है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, हमारे प्रोग्राम काउंटर ने कौन सा एड्रेस बोला है, 2005 इन हेक्साडेसिमल, ये एड्रेस जनरेट किया, इस एड्रेस को भेजा है, इस एड्रेस को भेजना चाहा है। तो देखो होगा क्या, हमारा ये क्या है, हायर ऑर्डर और ये क्या है, लोअर ऑर्डर। तो 20 इन हेक्साडेसिमल इन बस से इस बस के थ्रू ट्रेवल करेगा, और 05 जो कि लोअर ऑर्डर है वो किस बस के थ्रू ट्रेवल करेगा, इस वाली बस के थ्रू क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ओके, अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि यहां से अभी क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है ना कि डेटा जा रहा है, ये बस तो दोनों का काम करती है। तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर या हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या करती है, एक ALE सिग्नल होता है जिसको क्या करती है, हाई करती है। क्या करती है, हाई मतलब 1 सेट करती है। इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल, मतलब हम किसको इनेबल कर रहे हैं, एड्रेस लैच को इनेबल करना चाह रहे हैं। तो ALE की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहां से क्या ट्रेवल होगा, एड्रेस ट्रेवल होगा। ओके, तो यहां से ट्रेवल होके एड्रेस पूरा हमारा 2005 कहां पे गया, मेमोरी के पास चला गया। ओके,
एक बार मेमोरी के पास चला गया, ओके यहाँ तक हमारा क्या चला गया, एड्रेस पहुंच गया, मतलब हम इस एड्रेस में इंटरेस्ट। प्लस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, रीड या राइट जिस भी चीज में हम इंटरेस्टेड हैं उस सिग्नल को सेंड करेगी। तो हम अज्यूम करते हैं हम राइट करने में, इस लोकेशन पे क्या करने में इंटरेस्टेड है, राइट करने में, आप रीड में भी, दोनों में बात एक ही होगी, ठीक है। तो हम क्या है इस लोकेशन पे क्या करना चाहते हैं, कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं। तो इस एड्रेस को तो हमने लोकेट कर लिया, भाई हम इस एड्रेस में इंटरेस्टेड है। अब इसके बाद में हम डेटा को राइट करना चाहते हैं, तो डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो कौन सी बस को पकड़ेगा डेटा, ऑब्वियसली इस डेटा बस को पकड़ेगा, ओके। तो यहाँ से अब क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा। तो फिर बात ये आती है कि हमारा जो एड्रेस था, इसमें जो एड्रेस था 05, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो तो लॉस हो जाएगा, जबकि उस एड्रेस को भी तो हमें लास्ट तक संभाल के रखना है ताकि हम उस पर कोई वर्क कर सकें। तो जब यहाँ से डेटा आएगा तो उस केस में ये एड्रेस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखो इसके लिए एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप कहीं शॉपिंग करके आ रहे हो और आपकी कैपेसिटी क्या है कि आप एक हाथ में एक बैग पकड़ सकते हो, आपके दोनों हाथों में एक एक बैग है। अब क्या होता है कि कोई एक बच्चा साथ में आके वो बोलता है आपको उठाने के लिए, गोदी में उठाने के लिए बोलता है, तो अब आप क्या करोगे। तो अब देखो आप तो इंसान हो, मना भी कर सकते हो, उसको डांट भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये तो मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो देखो अब आप क्या करोगे, एक बैग छोड़ के जा तो नहीं सकते, उसको फेंक तो नहीं दोगे, तो मे बी आप क्या कर सकते हो कि उस वो एक बैग आपके साथ जो पार्टनर है उसको दे दो। तो आपने एक बैग क्या किया उस पार्टनर को, तो एक बैग आपने क्या किया अपने पार्टनर को दे दिया, और जो भी आपको दूसरा बैग उठाना था या बच्चे को उठाना था वो आपने उठा दिया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने आपकी क्या की, हेल्प की। तो यहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन है, इस बस के पास क्या था, एक एड्रेस था, क्या था, एक एड्रेस था, और वहीं पे हमने क्या बोल दिया उसको, क्या वो आप डेटा भी लेके जाओ, क्या करो डेटा भी लेके जाओ। तो उस केस में इस एड्रेस का क्या होगा, तो यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, एक तरह से वो क्या होता है, एक लैच सर्किट होता है, वो क्या करता है इस एड्रेस को, उस पार्टनर का काम करता है, वो क्या करेगा इस एड्रेस को आपके लिए क्या करेगा, संभाल के रखेगा। तो पहले हम उस सर्किट के बारे में समझ लेते कि वो सर्किट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बाद में हम इसका टेक्निकल डायग्राम समझ। अब उस सर्किट, उस इंटीग्रेटेड सर्किट का जो नाम है, चिप नेम है 74LS37T, ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसकी क्या समझनी है, वर्किंग समझनी है। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ लैचेस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लैचेस होते हैं। अब लैच या फ्लिप फ्लॉप, मैं एक काम करती हूँ आपको डी फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, जब ये डी फ्लिप फ्लॉप है अगर इनेबल है तो उस केस में हम जो भी इनपुट देते हैं वो हमें आउटपुट में मिलता है, जब ये इनेबल है। तो इसमें अगर हमने इनपुट में 0 दिया है तो हमें 0 मिलेगा, अगर इसमें हमने 1 दिया है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही बिट के लिए काम करेगा, तो ये वाला जो हमारा सर्किट है उसमें क्या होते हैं, ऐसे टोटल 8 लैचेस होते हैं। 8 लैचेस क्यों है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे कितनी बिट्स का है, 8 बिट्स का क्या है एड्रेस है। तो ऐसे ही इसमें कितने लैचेस होते हैं, 8 लैचेस होते हैं, ओके। कितने लैचेस होते हैं, 8 लैचेस होते हैं। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सिग्नल होता है, लैच इनेबल, क्या होता है, लैच इनेबल सिग्नल होता है, जो कि इसको इनेबल और डिसेबल करता है। अगर लैच इनेबल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, इनेबल होगा, मतलब यहां से हम जो भी भेजेंगे यहां पे हमें मिलेगा। अगर लैच इनेबल की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब लो है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आपको पता ही है कि जब डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिसेबल होता है तो इसमें हम चाहे जो भी इनपुट दे हमें यहाँ पे प्रीवियस स्टेट ही मिलती है। जब ये डिसेबल है तो उस केस में यहाँ पे हमने मान लिया हमारी प्रीवियस स्टेट क्या है, 1 है, तो चाहे हम यहाँ से 0 दें चाहे हम 1 दें हमें प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाली है, ओके, यही होता है। तो इसी तरह से जब हमारा यहाँ पर लैच इनेबल जो है वो क्या होगा, लो होगा, तो इसमें सारे के सारे लैचेस भी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, मतलब इसमें नए इनपुट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाली है। अब इस चीज को हम यहाँ पर कैसे अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम एक टेक्निकल सा डायग्राम बनाते। अब ये है हमारा डायग्राम, किसका, एड्रेस बस डी मल्टीप्लेक्सिंग का। अब इसका नाम पहले तो आप ये समझ लो कि डी मल्टीप्लेक्सिंग क्यों दिया है हमने, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हुई थी ये हमने देखा। अब यहाँ पर हमें एक ही बस में से एड्रेस भी लेना है, डेटा भी लेना है, तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या है, हमारा इनपुट एक है और आउटपुट क्या
क्या है, मल्टीपल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डी मल्टीप्लेक्सिंग है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कौन सा एड्रेस में इंटरेस्टेड है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर, तो 2005 एड्रेस में क्या है, इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो ट्रेवल करेंगी हेक्साडेसिमल, और यहाँ से हमारी क्या करेंगी, लोअर ऑर्डर बिट्स 05 इन हेक्साडेसिमल क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। अब अभी क्या है, हम एड्रेस भेज रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर या हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ALE नाम का एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाई, मतलब 1 होगी, मतलब ALE इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाई होगी। इसका मतलब एड्रेस लेच इनेबल इज इक्वल्स टू क्या हुआ, हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से क्या भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं। तो उस केस में ये ALE की जो वैल्यू 1 है वो कहां पे जाएगी, लैच इनेबल में जाएगी, तो लैच इनेबल की वैल्यू भी क्या हुई, हाई, दैट इज 1 हुई। इसका मतलब ये क्या होंगी, इसके जो भी डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या होंगे, इनेबल स्टेट में होंगे। इनेबल स्टेट में होंगे इसका मतलब क्या है कि यहां से जो भी इनपुट आएगा वो एज इट इज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। दैट इज यहां से 05 इन हेक्साडेसिमल आया था, तो यहां पे हमें 05 इन हेक्साडेसिमल मिलेगा, और जो कि किस में मिला है, एड्रेस बस में, यहां पे A0 से A7। तो हमारा एक एड्रेस तो एज इट इज ऊपर 20 इन हेक्साडेसिमल मिल ही गया था, दूसरा जो पार्ट था हमारा 05 इन हेक्साडेसिमल जो लोअर ऑर्डर पार्ट था वो हमें क्या मिल गया है, यहां पे एज इट इज मिल गया है। तो हमारा पूरा एड्रेस 20 इन हेक्साडेसिमल और 05 इन हेक्साडेसिमल यहां पे जनरेट हो गया है। अब बात आती है कि जब नेक्स्ट सिग्नल एड्रेस भेज दिया, अब सपोज हमें यहां से क्या भेजना है, डेटा भेजना है, क्या भेजना है, डेटा। तो डेटा कौन सी बस से जाएगा, तो डेटा ऑब्वियसली इन लाइंस के थ्रू जाएगा, कहां से जाएगा, इन लाइंस के थ्रू जाएगा। मान लिया कि हमारा ये जो लैच है इनेबल ही होता तो क्या होता, तो मान लिया कि हमारा यहाँ से क्या जाता, डेटा जाता। अब डेटा सपोज हमें कुछ भी भेजना है, हमें 28 इन हेक्साडेसिमल हमारा डेटा है जो कि हमें यहाँ से भेजना है, तो अगर ये हमारा लैच इनेबल ही होता तो ये 28 इन हेक्साडेसिमल हमें कहाँ पे मिल जाता, एड्रेस लाइन्स में मिल जाता, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो अब इस केस में क्या किया जाएगा, जब हम यहाँ से डेटा भेजना चाह रहे हैं तो ALE की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, लो, दैट इज 0 कर दी जाएगी, और यही वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे जो ये सारे लैचेस हैं, जो सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वो किस में आ गए हैं, डिसेबल स्टेट में आ गए हैं, डिसेबल स्टेट, हाई इंपीडेंस स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, ये क्या रहेगा, प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, प्रीवियस स्टेट ही मिलेगी, चाहे हम यहाँ से इनपुट चेंज कर दें। तो अब हमारा इनपुट यहाँ से क्या आ रहा है, 28 इन हेक्साडेसिमल, हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, डिसेबल्ड है, तो हमें आउटपुट में प्रीवियस स्टेट ही मिलेगी जो कि हमें क्या मिली थी, 05 इन हेक्साडेसिमल। तो अब हमें डेटा चाहिए, तो अब हम यहाँ से नए कनेक्शन हमने किए हैं यहाँ से, अब यहाँ पर हमारा 28 इन हेक्साडेसिमल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर हमें डेटा लाइंस में क्या मिल जाएगा, 28 इन हेक्साडेसिमल हमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के जब हम यहाँ से क्या सेंड करना चाह रहे हैं, एड्रेस सेंड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम ALE की वैल्यू 1 करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे हमें आउटपुट में एड्रेस बस में मिलेगा, एड्रेस लाइंस में मिलेगा। जब हम यहाँ से डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो ALE की वैल्यू 0 करेंगे, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एड्रेस लाइंस में क्या मिलेगा, जो प्रीवियस इनपुट था वही प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाली, प्रीवियस आउटपुट ही मिलने वाला है। तो जो डेटा है वो हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे डेटा लाइंस में। तो ये क्या है, एड्रेस बस डी मल्टीप्लेक्स।